नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं अमलेन कुमार सिंह। यूपी की सबसे बड़ी गन्ना पहचान विकास है, यही वजह है कि यहां के केंद्र में हमेशा गन्ना किसान रहते हैं। चुनावी रिपोर्टर में आज बात करेंगे गन्ना बेल्ट के गढ़ बिजनौर की, जहाँ कभी कांग्रेस का परचम लहराता था, लेकिन आज यहाँ बीजेपी का कब्जा है। बिजनौर लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश की सबसे वीवीआईपी सीट में से एक मानी जाती है। इस सीट पर कई राजनीतिक दिग्गज अपनी किस्मत आजमा चुके हैं, फिर चाहे वह बीएसपी प्रमुख मायावती हो या फिर लोक जनशक्ति पार्टी के रामविलास पासवान। पिछले लोकसभा चुनाव में ही बॉलीवुड अदाकारा जयप्रदा ने भी यहाँ से चुनाव लड़ा था। हालांकि देश भर में चली मोदी लहर में इस सीट को बीजेपी के खाते में डाल दिया। बीजेपी के कुंवर भारतेन सिंह ने यहां 2014 में 2 लाख से अधिक वोटों से जीत दर्ज की थी। दिग्गजों का मुकाबला, दांव पर लगी सियासी साख, गन्ना बेल्ट में चुनावी जंग। बिजनौर लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश की सबसे वीआईपी सीटों में से एक मानी जाती है। इस सीट पर कई राजनीतिक दिग्गज अपनी किस्मत आजमा चुके हैं, फिर चाहे वो बीएसपी प्रमुख मायावती हो या फिर लोक जनशक्ति पार्टी के रामविलास पासवान। पिछले लोकसभा चुनाव में ही बॉलीवुड अदाकारा जयप्रदा ने भी यहाँ से चुनाव लड़ा था। हालांकि देश भर में चली मोदी लहर ने इस सीट को बीजेपी के खाते में डाल दिया। बीजेपी के कुंवर भारतेंद्र सिंह ने यहां 2014 में 2 लाख से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की थी। बिजनौर लोकसभा सीट पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अहम सीटों में से एक है, यही कारण है कि इसका इतिहास भी बेहद दिलचस्प है। मेरठ, नगीना, मुजफ्फरनगर जैसे शहरों से जुड़ी इस सीट पर शुरुआत में कांग्रेस का दबदबा रहा था, लेकिन समय के साथ यहाँ कांग्रेस का दबदबा कम होता गया और दूसरे दलों ने यहां धाक जमा ली। लेकिन इस बार यहां त्रिकोणीय मुकाबला है। बीजेपी ने जहां एक बार फिर कुंवर भारतेंद्र सिंह को मैदान में उतारा है, वहीं सपा बसपा गठबंधन से बीएसपी से यहां मूलक नागर ताल ठोक रहे हैं। बीएसपी के लिए यहां सबसे बड़ी मुश्किल कांग्रेस प्रत्याशी से, क्योंकि बिजनौर ने इस बार कांग्रेस ने पुराने बीएसपी के दिग्गज नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी को मैदान में उतारा है। तीनों ही दिग्गज उम्मीदवार अपनी अपनी सीट का दावा कर रहे हैं, लेकिन फैसला जनता को करना है। बात बिजनौर की लोकसभा सीट के समीकरण की करें तो यहां कुल 15 लाख से अधिक वोटर हैं, जिनमें 8,48,606 पुरुष और 7,13,459 महिला वोटर हैं। 2014 में सीट पर 67.9% वोट डाले गए थे। दिलचस्प ये है कि यहाँ 5,000 से ज्यादा नोटा वोट भी पड़े थे। 2011 की जनगणना के मुताबिक बिजनौर में कुल 55.18% हिंदू और 44.04% मुस्लिम लोग हैं। इस बार बिजनौर लोकसभा क्षेत्र में 930 पोलिंग सेंटर और 1943 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। बिजनौर लोकसभा में मुस्लिम, जाट और दलित निर्णायक भूमिका में होती है। बात बिजनौर के जातीय समीकरण की करें तो मुस्लिम 5,25,000 मतदाता, जाट 2,35,000, दलित 2,55,000, गुर्जर 1,55,000, सैनी 65,000, यादव 18,000, चौहान 28,000, राजपूत 42,000, सिख 25,000, ब्राह्मण 38,000, बंगाली 15,000, वाल्मीकि पाल त्यागी कश्यप वैश्य 2,50,000 वोटर हैं। बात मुद्दों की करें तो यहां आज भी गन्ना किसान बड़ा मुद्दा है, जिसके दम पर नेता यहां सियासत चमकाते आए हैं। बहरहाल नतीजा किसी के पक्ष में भी हो,
लेकिन बिजनौर का ताज उसी नेता के सिर बंधेगा जो किसान और विकास के मुद्दों पर वोटरों को लुभा पाएगा। राजवीर सिंह, बिजनौर, इंडिया न्यूज। उत्तर प्रदेश का बिजनौर लोकसभा सीट कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ की जनता विकास के मुद्दे पर वोट करती चली आ रही है। इस बार जनता क्या चाहती है, इसके मुद्दे क्या होंगे, कौन से ये अहम मुद्दे हैं जिन पर प्रतिनिधि खड़े होकर उतर पाए हैं और जनता उनमें क्या मांग करती है। चुनावी रणभेरी जहां बच चुकी है, वहीं बिजनौर लोकसभा की अगर बात करें तो यहां पर भी चुनाव का माहौल गर्माने लग गया है। और रही बात पार्टी के उम्मीदवारों की, तो यहां लगभग सभी पार्टियों ने अपने उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतार दिए हैं। बिजनौर से बीजेपी की अगर बात की जाए तो यहां पर पूर्व जो मौजूदा सांसद हैं भारतेंद्र सिंह, उन पर दोबारा से बीजेपी ने दांव खेला है। तो वहीं गठबंधन से यहां पर मलूक नागर को उतारा गया है। साथ ही साथ कांग्रेस से यहां पर बसपा के कद्दावर नेता रहे कभी जाने माने नसीमुद्दीन सिद्दीकी, उनको यहां पर कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया गया है। जाहिर सी बात है, तीनों नेता के होने से यहां पर जो चुनाव का जो माहौल है यहां पर गर्मा गया है और त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना भी यहां पर बल दे रही है। यहीं पर हमारे साथ में कुछ लोग हैं बिजनौर जिले के आम लोग हैं, ये इनसे बात करते हैं। जो चौपाल हमारी चुनावी वो शुरू होती है, जानते हैं बिजनौर का क्या माहौल है और जो बिजनौर में जो चुनाव होने जा रहा है वो किन मुद्दों पर होने जा रहा है। जी, क्या नाम है आपका? मुझे मुनीश त्यागी कहते हैं। मुनीश जी, जो चुनावी जो माहौल है इस समय शुरू हो गया है और जो क्या मुद्दे इसमें हावी रहेंगे इस बार चुनाव में? देखिए, मुद्दे ये हावी रहेंगे कि बीजेपी की सरकार को 5 साल पूरे हो गए हैं, इन्होंने एक भी उद्योग लगाने का काम नहीं किया, एक भी कोई स्कूल देने का काम नहीं किया। मेडिकल बनने के लिए परमिशन हुई थी स्वाहेड़ी में, उसका काम रोकने का काम इन्होंने किया है। सड़कें का यह हाल हो गया, नगीने वाली सड़क पर चले जाइए, 2-2 फीट गहरे गड्ढे हैं। आप नगीने चले जाइए, वहाँ लकड़ी के मामले में हिंदुस्तान में माना जाता था, सब खत्म कर दिया इन्होंने। बुरुस के मामले में शेरकोट था, सबको बर्बाद करने का काम इन्होंने किया है। खादी के मामले में नेहटौर, उसको भी बर्बाद किया है। नेहटौर धामपुर की रोड पर आप गाड़ी लेके जा ही नहीं सकते, ये हाल इन्होंने किया। आज युवा शक्ति बेरोजगार है, हम रोजगार चाहते हैं। हम इधर उधर के भटकाने वाली हिंदू मुसलमान की बात पे कोई वोट नहीं देगा, आने वाली नस्ल कभी माफ नहीं करेगी। इन्होंने जिस दिन पुलवामा में हमला हो रहा था उस दिन हमारे देश का प्रधानमंत्री सूट बदलने का काम कर रहा था और फोटो खिंचवाने का काम कर रहा था, 20-20 लाख के सूट पहनने का काम कर रहा था। ये मुल्क हमारे गाढ़े के कपड़े पहनने वालों का मुल्क है, ये मुल्क किसान का मुल्क है। अगर यहाँ का किसान दुखी होगा तो ये समझ लीजिए मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। इन्होंने किसानों के ऊपर लाठीचार्ज कराने का काम किया है, इन्होंने गोलियां चलवाने का काम किया है, इन्होंने शिक्षा मित्रों को बर्बाद करने का काम किया है। 1,72,000 शिक्षा मित्र हैं, 25 साल से पहले तो वो MBA नहीं कर सकता और 20 साल से इनके यहाँ नौकरी कर रहे हैं, उन्होंने हाथ में कटोरा देने का काम किया है। मेरे ख्याल से 2,100 शिक्षा मित्र फांसी लगा के मर चुके हैं, इन्हें शर्म आनी चाहिए। आपका क्या नाम है? मिथिलेश वर्मा। मिथिलेश जी, चुनाव में इस बार क्या मुद्दे हावी रहेंगे? हावी मुद्दे क्या है, इन्होंने क्या मुद्दा छोड़ा है कि बस अपनी जेब भरी है, अपने बीजेपी के लोगों ने अपनी जेब भरी है नोटबंदी के चक्कर में, तो इन्होंने अपनी पेट भरे हैं, अपनी जेबें भरी हैं, बाकी की गरीब आदमी लाइन लगा लगा के मर गया, इन पे कोई असर नहीं पड़ा है। और अब GST, अगर गरीब आदमी 1,000 रुपए का भी सामान लेगा उस पे भी GST लगा रहे हैं। इस तरीके से गरीब लोगों के लिए उन्होंने कुछ भी ना दिया, क्या किया है इन लोगों ने अब? और महिलाओं की ये बात करते हैं लंबी चौड़ी, महिला तो ये देखो अपनी बीवी से पूछे मोदी कि बीवी को, अपनी बीवी को छोड़ दिया, वो बीवी आज तक बैठी है और अपनी माँ के लिए उसने भी लाइन में लगा रखा है। ये क्या बहनों की बात करते हैं, क्या नौजवान की बात करते हैं? क्या नौजवानों को कभी भी बेरोजगार दिया? कभी ना दिया रोजगार, बेरोजगार वो डोल रहे हैं नौजवान, महिलाओं पे अत्याचार करा रहे हैं, गरीब लोगों पे डंडा फिरवा रहे हैं, उन पे लाठी चार्ज करा रहे हैं। ऐसी सरकार ना चाहिए जो जेब भरने वालों की सरकार हो, कोट पैंट वालों की सरकार हो, सूट बूट वालों की सरकार हो। हमें चाहिए न्याय, गरीबों की सुने, हमें वही प्रधानमंत्री बनना चाहिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राकेश जी है। राकेश जी, जो मौजूदा सरकार के कार्यकाल जो 5 साल का मोदी जी का हुआ है, इससे आप कितने खुश हैं? हम इतने खुश हैं, इन्होंने जो अगर आगे को आ गई चुनाव में ये जीत का किसी कारण, अव्वल तो आने के नहीं हो, अगर आ गई किसी कारण से तो किसान को ये हमारे सुन लो बिल्कुल बर्बाद कर देंगे। इन्होंने वादा करा था कि
14 दिन के भीतर हम पेमेंट दिलवाएंगे। अभी तक जो 7 दिन का पेमेंट मिला हमारे बिलाई में इनका। योगी जी और मोदी जी कह रहे हैं कि हमने जो किसानों का सारा पेमेंट कर दिया। ये बकवास करते हैं, ये बकवास करते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ बोलना। इन्होंने 2-2 हजार रुपए का जो वादा किया कि 2-2 हजार छोटे किसान को देंगे, 10 वर्ष आए किसान को नहीं मिला छोटों को, और लो कह रहे हम जो करें, अरे हमें भीख नहीं चाहिए, हमारा पेमेंट दिलवा दो 14 दिन के अंदर, और हमारा जो वो नाथन वाली रिपोर्ट है वो लागू करा दो, हम किसान हो। आपका क्या नाम है? इधर देखो, इधर। जय श्री राम। मेरा नाम है मोनू शर्मा, भारद्वाज। मैं हूँ मोहल्ले भाटान का रहने वाला। ऐसे बोल दो। हाँ, इसे छोड़ दो। जो चुनावी मुद्दे हैं क्या रहेंगे इस बार चुनाव में? बीजेपी सरकार ने 5 साल में बहुत अच्छा काम करा, किसानों को 6 हजार वार्षिक मिलने लगे, दूसरी गांव में लैट्रिन बन रही है हर गांव में, और दूसरी बात सड़कें ठीक विकास में, हाईवे बन रहे हैं, पुल बन रहे हैं, सारी सुविधाएं जो प्रधानमंत्री सही कर रहे हैं, और भ्रष्टाचार काफी हद तक खत्म हो चुका है, और जो है आने वाली सरकार जो है बीजेपी की सरकार आएगी। जी, आपका क्या नाम है? मैं डॉक्टर देशबंधु त्यागी। जी त्यागी जी, बीजेपी का जो मौजूदा कार्यकाल रहा है उससे आप कितने संतुष्ट हैं, और जो अगला जो चुनाव होने जा रहा है वो किन मुद्दों पर होगा? देखिए, ऐसा है, ये जो चुनाव होने जा रहा है ये बिजनौर वगैरह का चुनाव नहीं है, ये देश का चुनाव है, और भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फाइनेंस में अस्तित्व रहेगा या समाप्त रहेगा, ये उसका चुनाव है। और केवल हमारी बात नहीं, आप लोग मीडिया वाले लोग भी सुन लो, जो आप एक पक्षीय न्यूज़ दिखाए जा रहे हो ना, भारत बहुत सुंदर है, उसके लिए बता दूं, दुनिया का सबसे बड़ा कॉरपोरेशन BSNL था, उसके कर्मचारियों को 1000 करोड़ रुपये का पेमेंट अब जो इस महीने की तनख्वाह का नहीं हुआ, उसके बाद जो बहुत बड़ा विश्व के कॉरपोरेशन है जो हॉल हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, जिसने के 2 जहाजों ने पुरानी दोनों जंगों में शानदार प्रदर्शन किया है, उसका दिवाला निकल गया है 1000 करोड़ रुपए भाई सिदिया, और अनिल अंबानी की कंपनी को जिसपे एक पिन नहीं बनानी आती है, जिसका एग्जिस्टेंस नहीं है, उसे 1500 एकड़ जमीन देके कंपनी खुलवा दी, और वो बनाएगा हॉल जिसने कोई रिंचर चाबी भी नहीं बनाई। तीसरी बात, जितने भी पब्लिक सेक्टर के कोर यूनिट है, BHEL है बर्बाद कर दी, BSNL है बर्बाद कर दिया, VSNL मतलब UV वाला BSNL उसे बेच के खा गए, और एक आज की स्थिति आप लोगों को पता नहीं है, अरुण जेटली ने जो इस बार बजट पेश किया था उसमें 4.3 लाख करोड़ को ऐसे एंट्री छोड़ दी, लिखा ही नहीं, उसे बजट में एंट्री ना करने के कारण इन्होंने नकली वित्तीय घाटे को कंट्रोल करके दिखाया है, जो एंट्री बजट में होनी चाहिए थी वो नहीं कराई है। दूसरी बात, रेलवे को बेचने की तैयारी है, 53 जो रेलवे स्टेशन है, जो बढ़िया रेलवे स्टेशन चल रहे हैं, जिसे आप ही की सरकार चला रही है, जब भारत की सरकार चला रही है, सरकार पार्टियों की नहीं होती है, सरकार देश की होती है, और आप उन रेलवे स्टेशन को बेच रहे हो जो अपने आप ही रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। अगर आपको रेलवे स्टेशन बेचने हैं तो वो रेलवे स्टेशन बेच के दिखाओ जिन पर रेवेन्यू नहीं आ रहा है। और एक और मैं बात बताता हूँ, ये जो आप सेनाओं का वो करते हो ना, क्या आपके तो सेना क्या आपकी है, सेना क्या इनकी है, सेना कांग्रेस की है? अरे सेना भारत की है, सेना में गरीब लोगों के लड़के भर्ती होते हैं, किसी नेता के चार लड़के क्या एक लड़का भी कोई बता दे कि किसी गरीब ने किसी नेता का लड़का शहीद हुआ है आज तक? सारे किसानों के और मजदूरों के बच्चे शहीद होते हैं। और एक बात बताओ, मथुरा का लड़का शहीद हुआ था, 6 साल हो गए, पेट्रोल पंप देने को कहा था, शहीद का स्कूल खुलवाने को कहा था, स्कूल खुला? आप मीडिया वालों ने जाके पूछा? पिछले हफ्ते आप लोगों ने कार्यक्रम करा था, 4 सवाल पूछे थे, 2015 में 3237 करोड़ हुए बैंक में, 2016 में 2789 बैंक फ्रॉड हुए, 2017 में 2716 बैंक फ्रॉड हुए, और 2018 की 31 दिसंबर तक आपको ताजुब होगा कि बैंकों में 9 महीने में ही 2700 फ्रॉड हो चुके हैं, और आपको एक जान के आश्चर्य होगा, किसी भी मालदार आदमी का पैसा नहीं गया उसमें, सब ऐसे जो ये लोग खड़े ना साधारण लोग, इनके पैसों की लूट हुई है इसमें, और 47 करोड़ रुपये अकाउंट से निकल गया उन लोगों के। आज ये देखिए, अगर आप, मैं जनता की बात नहीं कह रहा, आप मीडिया वाले भी जो सोच रहे हो कि आप बच जाओगे, अरे अगर रुपया क्रैश कर जाएगा, करेंसी क्रैश कर जाएगी, तो ये आपका मीडिया वगैरह भी नहीं बचेगा। हाँ जी, क्या नाम है आपका? जी गुप्ता जी, ये जो चुनाव चल रहा है इसमें मोदी के कार्यकाल से आप कितना खुश हैं, और जो आने वाला चुनाव है वो किन मुद्दों पर होगा? ये तो सुरक्षा के मुद्दे पर होगा ज्यादातर, कि सुरक्षा के मुद्दे क्या चल रहा है, वो सुरक्षा बचाने के चक्कर में लग रहा, और ये अपना विषय। फिर भी जो अगला जो चुनाव है बिजनौर लोकसभा की हम बात कर रहे हैं, उसमें क्या मुद्दे हावी रहेंगे? सुरक्षा का मुद्दा सबसे ज्यादा हावी। हाँ जी, क्या नाम है आपका? जी इधर। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नजाकत अली कंभौर है। जी
नजाकत जी, जो चुनावी मुद्दे क्या रहेंगे इस बार? चुनावी मुद्दे मुद्दा कौन सा ऐसा नहीं है जो नहीं है। किसान का सन 2014 में बिजली का बिल आता था 12 का 9000 रुपए, जिसको आज हम 15000 भरने का काम कर रहे हैं। किसान को 820 रुपए में डीएपी मिला करता था, जिसको आज हम 1400 रुपए में खर्च करने का काम कर रहे हैं। और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, कानून को और संविधान को दायरे में रखते हुए किसान अपना पैसा मांगने का काम कर रहे थे। दिल्ली में और बिजनौर में लाठियां बरसाने का काम इस भाजपा सरकार ने किया है। और हद तो जब हो गई, जब इस सरकार ने सुप्रीमो कोर्ट के जज को सुप्रीमो कोर्ट से लड़ा दिया, मीडिया को मीडिया से लड़ा दिया, और हमारे वीर शहीदों की सियासत करने का काम करते हैं। मेरे भाइयों, हम अभी ऐसा नहीं होने देंगे। देश जाग चुका है, अब कांग्रेस ही इस देश का विकल्प है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश चंद वर्मा जी। वर्मा जी, जो चुनावी मुद्दे हैं इस बार, क्या चुनावी मुद्दे चुनाव में आएंगे? मुद्दा ये आएगा, सबसे पहले बीजेपी कहती है हमारे शासन में कोई घोटाला नहीं। कल ही न्यूज में आया है छत्तीसगढ़ का रमन सिंह पूर्व मुख्यमंत्री का दामाद 50 करोड़ रुपए का घोटाले में फंसा गया है। यह बात सही है। और दूसरी बात, जो जब बीजेपी 7 साल का 70 साल का जो हिसाब मांग रही है, मैं देने को तैयार हूँ। मैं स्वतंत्रता सेनानी का पुत्र हूँ। और लाठियां किसने खाई? स्वतंत्रता सेनानियों ने। आज उसी स्वतंत्रता सेनानी और महात्मा गांधी पर गोली बरसाते हैं जे बीजेपी वाले, और गोली बरसाते हैं। आज तक क्या किया है उन्होंने? और सब बहाल हो जाते हैं। बीजेपी की सरकार ये सब नाश करने के लिए और देश को विखंडन और तोड़ने के लिए बनी है जी। इसलिए भाई साहब, मैं तो एक ही बात जानता हूँ, मोदी जी को के खिलाफ सारे गठबंधन होगा, सारे मिल गए, सब लोग मिल गए जी। मोदी जी कह रहे हैं कि मुझे एक आदमी के लिए सारे दल एक साथ, हाँ, एक साथ मिल गए। मोदी जी से ये भी तो पूछो, तुमने कितने काम बढ़िया किए? गोदराम में कितने कांड कराया? हमने कराया। कांग्रेस के शासन में कोई ऐसा कांड नहीं हुआ जो कि मुस्लिम भाइयों को गोलियों से बनवा दिया, जला दिया, सब कुछ कर दिया था। जिंदा जीव जला दी मोदी ने। एक मिनट, ताली मत बजाओ यार, ताली का काम नहीं। मोदी जी जब आपके से ये कह रहे थे आपके मीडिया से कि इन्होंने सारे गठबंधन एक मोदी को हराने को गए, तब आपके मीडिया ने उससे पूछा 41 पार्टियों का गठबंधन क्यों किया है उसने? क्या पूछते हो आप लोग? सवाल जनता से पूछ रहे हो? जनता के सवाल मोदी से जाके पूछो। उसमें 42 दलों का गठबंधन है उसके पास, या 18 दलों के गठबंधन को ये कह रहा है कि सब एक हो गए, एक नहीं होंगे। ये लड़ाई चुनाव की लड़ाई नहीं है, ये बात तय करेगी कि ये गांधी का देश रहेगा या गोडसे का देश रहेगा। देखिए जी, जब इसने नोटबंदी की, हम बैंक में नहीं गए तो लाइन से लग गए, पैसे नहीं मिले वापिस चले गए। घर में बीमार पड़े थे, हम खुद बीमार चल रहे हैं, पैसे आज तक मतलब अभी बैंक से आ रहा हूँ मैं, अंदर टोकिन में लाइन लाओ और ये लाओ और वो लाओ, दुनिया भर के हम कर दिए। ऊपरी आदमी क्या कर सकता? ऊपरी आदमी क्या करेगा? वो तो यही करेगा, यार तू कर दे इस काम को और तू कर दे तो लाइन में लगे, और मतलब जब हमें मतलब पैसे मिले जी, पेमेंट का लाइन में लगे। पेमेंट का बताओ, पेमेंट का मिलाएगा? पेमेंट जो अभी एक पर्ची भी नहीं आई बिलाई मेल की। मेरा नाम समीम कुरैसी। मैं समस्त मतदाताओं से अपील करता हूं कि आने वाले वक्त में हर मतदाता अपने वोट का इस्तेमाल करे, क्योंकि एक शेर के साथ मैं मुल्क रहबर को मुखातिब करना चाहता हूं कि 4 साल गुमराह किया मुल्क अवाम को, खुद ने दुनिया के दोहरा किया, लाइन में लगाया आवाम को, कहीं राशन कार्ड की लाइन में, कहीं जीरो खाते की लाइन में, और कहीं नोटबंदी के बैंक की लाइन में। दोस्तों साथियों, ये मतदाताओं का मौका आया है कि राफेल जैसा मोदी चाहिए। जहां मोदी जी ने यह कहा हाथ लंबे कर करके कि सबका साथ सबका विकास, दोस्तों साथियों आपको याद रखना चाहिए कि 15 लाख रुपए खाते में डालने का इन्होंने वायदा किया था, लेकिन इसी मोदी सरकार ने, इन्हीं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने माल्या और नीरा मोदी जैसे को विदेश भेज दिया दुनिया का खजाना लेकर। तो आज बदला लेना है मतदाताओं को। मतदाताओं को फिर अपील कर रहा हूँ कि आने वाले वक्त में, आने वाले चुनाव में हर मतदाता अपने वोट का इस्तेमाल करे और इस सरकार के खिलाफ वोट करे। जय हिंद, जय भारत। बोल रहा हूँ जी, क्या नाम है? मैं डॉक्टर एम कासिम के नाम से
एक बीएसपी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, पार्टी का नाम जी छोड़िए। मेरी राय यह है कि मैं सरकार के बारे में आप जानना चाह रहे हैं, बहुत अच्छा भाई। इस टाइम इस बार चुनाव के क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे ये रहेंगे कि जनता का हमारी जो गठबंधन है, ये जो हो रहा है, इस गठबंधन से विपक्षी दलों में जो है ना, यानी बीजेपी सरकार में खलबली मची हुई है।